अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका स्वागत है अफरोज के ब्लॉग में। तो बताओ अम्मी आसुम, क्या बताने वाले? तो आज मैं बताने वाली हूँ मेरे घर का हॉल। तो फाइनली आप लोगों को हमारे घर का हॉल देखने मिल रहा है, कम से कम 4 से 5 महीने के बाद, है ना जी? हाँ बराबर। तो जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कैसा मेरा दरवाजा है, क्या है, सब बताऊंगी आगे, मगर घर के अंदर थोड़ा बहुत काम बाकी है। हाँ, जैसा 100 में से 5% और 10% काम बाकी है। तो जैसे कि हमारे पर्दे लगना बाकी है, अभी वो मैंने दी हूँ बनाने के लिए, वो जब आएंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा एसी लगना बाकी है, वो भी लगने, परसों के दिन एसी लगने वाली है। और मेरे कोई दीवार पे मैंने वॉलपेपर लगाना है, मुझे वॉलपेपर भी कल लगने वाला है ना। हाँ। मगर मैं बोली चलो जो है वो बाद में हम बता देंगे, मगर जितना अभी हमारा रेडी हो चुका है उतना मैं बता देती हूँ। बराबर। जैसे कि अभी पूरा फाइनली हो ही फाइनली हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत काम तो बाकी रहता है अभी। जिसका घर बनता रहेगा उसको तो मालूम ही है कि भाई घर में शिफ्ट होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा काम रहता ही है। अब जैसा एसी बाकी है, वॉलपेपर बाकी है, घर के पर्दे बाकी रहते हैं, और छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान वो सब तो बाकी ही रहते हैं। वो तो बहुत सारा बाकी है बाबा। अभी तो आसिफ मेरे को वही बोला था, मम्मी तुमने तो घर बना दिया, अब तो तुम्हारे ये लगाऊंगी मैं, वो लगाऊंगी, वो सब तो तुम्हारा बाकी है। बाकी है। आसिफ को मैं बहुत परेशान कर रही हूँ ये बात से कि मेरे को चल लोहार चाल लेके चल करके, ज्यादा करके मैं लोहार चाल से ही पूरे घर की शॉपिंग डेकोरेशन का सामान लेती हूँ। अब मैं इसको बोलती हूँ बार बार, इधर पे ये लगाऊंगी, इधर पे ये लगाऊंगी। तो आसिफ बोल रहा है मम्मी पहले अच्छे से सब हो जाने दो, तुमको फिर मैं एक दिन लेके चलता हूँ सुबह से शाम तक का, तुम कितना चाहो लोहार चाल में रह गए, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक शॉपिंग ही करते रह गए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम आपको हमारा हॉल दिखाना। तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि आपको हमारा हॉल कैसा लगा, एक एक चीज आपको हम लोग दिखाएंगे, बारीक से बारीक चीज भी, और आप लोगों को हमारा कॉम्बिनेशन कैसा लगा वो भी आप लोग जरूर कमेंट में बोलना, ठीक है? तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हॉल दिखाना। माशाल्लाह तो कमेंट में जरूर बोलना। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हमारे मेन डोर से, यानी घर में होने वाली एंट्री से। हाँ। उधर से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो ही देखकर सामने वाला खुश हो जाना चाहिए कि इनका जो एंट्रेंस है वो कितना भारी है। बराबर। सबसे पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने साख की लकड़ी के दरवाजे बनाए हैं। हाँ। माशाल्लाह बहुत मजबूत है और बहुत टिकाऊ है। ओरिजिनल साग। ये जो है ये पीछे का साइड है, पीछे के साइड में मैंने क्या किया हूँ, कुछ कपड़े लगाने के लिए इस तरह का स्टैंड लगाई। हाँ, कपड़ा लगाने का स्टैंड लगाया, मतलब क्योंकि कभी भी बच्चे आ गए तो यहाँ पे टॉवल वगैरह रहता है, पोंछ सकते हैं, कपड़े उतार कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तीसरे फ्लोर तक आने की उनको जरूरत नहीं होगी। बराबर। गाड़ी की चाबी हमारी सब इसके लिए यहाँ पे, ये की का क्या बोलते हैं? हाँ, ये मतलब किचन है। हाँ। मतलब ये की स्टैंड बोलते हैं इसको, किचन नहीं, की स्टैंड बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 गाड़ी है तो तीनों गाड़ी की चाबी लग जाएगी, घर की चाबी लग जाएगी। हाँ। तो क्योंकि बच्चों को यहाँ वहाँ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ताबो तो यहाँ से चाबी ले लिए और चले गए, और जैसे ही घर में आ गए यहाँ पे चाबी लगा के हमारे घर में एंट्री हो जाएगी। बराबर। ये सब चीजों का मैंने, छोटी छोटी चीजों का काफी ध्यान रखी हूँ। चलिए आपने ये सब तो देख लिए, जो मैंने, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हस्बैंड को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी मैं दरवाजे को मैं खोलती हूँ। माशाल्लाह जरूर बोलना आप लोग, जरूर बोलना आप लोग। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी साफ की लकड़ी का है, बना हुआ है, और इसके ऊपर हम लोगों ने पॉलिश भी करा, पॉलिश की है, और ऐसी वैसी पॉलिश नहीं है, बहुत भारी पॉलिश करवाई, पॉलिश की है, क्योंकि बारिश में या धूप से ये खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे घर के पास में काफी धूप होती है तो इसकी वजह से कोई साख की लकड़ी को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मगर फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए एक ही बार अच्छा काम करता। अच्छा पॉलिश है। वो पॉलिश वाले ने बोला कि आपके उधर धूप डायरेक्ट आती है। हाँ। और बारिश भी आती है। इसकी वजह से आप अच्छा वाला पॉलिश हो रहा है तो आपका पॉलिश ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो इसके लिए हम लोग मेन डोर पे भी और सेफ्टी डोर पे भी सेम पॉलिश कराए। यहाँ पर जो मैंने करी का इस्तेमाल की हूँ, ये भी बहुत हैवी करी का इस्तेमाल की हूँ, देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिनल ब्रास का मैंने इसे यूज की हूँ, ये भी बहुत हैवी रेंज में मुझे पड़ा है। बराबर। और उसी के साथ में इसका पूरा सेट आता है, तो ये करी के साथ में पूरा सेट था उसका, ये पकड़ने का हैंडल, करी पीछे साइड का, ये दरवाजा रोकने का, ये दरवाजा रोकने का, फिर इधर लगा ये साकली ऐसा मैंने
टोटली सारा सामान एक ही साथ ली हूँ। हाँ। और इसी की साथ की लकड़ी का मैंने ये सेफ्टी डोर भी बनाया। सेफ्टी डोर बना है, ये अंदर के साइड का है, बाहर के साइड का आपको जब बाहर का हम लोग लुक दिखाएंगे तब आपको देखने मिलेगा, उसका वीडियो आपको अलग देखने मिलेगा। तो ये मेन डोर है, मेन डोर पे भी मैंने यहाँ पे लॉक रखा। हाँ, गोदरेज का सेफ्टी लॉक लगा है, गोदरेज का सेफ्टी लॉक लगाई है बराबर। कभी बाहर की आवाज नहीं आनी चाहिए करके मैं ये दरवाजे को मैं बंद करके रखती हूँ, आप लोगों से आराम से मैं बात कर पाऊँ बराबर। हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर जो है हमारे कुंजा का नारियल मैंने बांधी हूँ। हाँ। और ये बेल का है जो मैं पीछे साइड डाल दी हूँ दरवाजे के, क्योंकि सामने रहेगा तो देखने के लिए किसी को प्रॉब्लम, हाँ, मतलब दरवाजे के पीछे छुप जाए। और उंजा का नारियल मैंने इसलिए इधर पीछे साइड रखी हूँ कि किसी की भी कोई भी हमारे घर में आए या किसी की भी गंदगी रहे तो किसी का हाथ इधर पे लगना, नापाक हाथ ना लगे, ना लगे, है ना। उसी के साथ में यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत सी टाइल्स है मैंने पूरे घर में दी हूँ, और कोई जगह पे मैंने अलग कलर की टाइल्स लगाई हूँ। हाँ। हो गया। यहाँ पे जो है ये बोर्ड है बराबर, तो जो जो के जो टाइल्स के अंदर जो ये डिजाइन है, ये कलर है, हाँ, ये है ना, ये शेड है, ये शेड है, वही शेड का मैंने इस्तेमाल यहाँ पर किया। हाँ, वही कलर हम लोगों ने, वही कलर, हाँ, है ना, इसके बोर्ड को मैंने ये वही कलर लगाई हूँ, सारे हॉल में यही कलर का बराबर बोर्ड लगा है, ये लगा है, कुछ तो बोलते हैं मुझे याद नहीं, भूल गए सब। और व्हाइट कलर डाली हूँ क्योंकि इसके अंदर व्हाइट कलर है करके बटन मैंने व्हाइट कलर के लगा बराबर। तो चलिए, जैसे कि इधर पर एक बोर्ड आपने देख लिए, एक बोर्ड मैंने यहाँ पर भी दी हूँ, जैसे कि घर में एंट्री करने के बाद में लाइट चालू करने के लिए आसानी पड़े बराबर, क्योंकि जब भी हम घर में आते हैं तो अंधेरा रहता है, कोई आराम से आके फटक से इधर लाइट चालू कर दी, लाइट चालू हुई, हम अंदर जा सकते हैं बराबर, है ना। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो डोर, हाँ, वीडियो डोर फोन दिए, VDP बोलते हैं इसको, हम लोग ने गोदरेज का लगाया। हाँ। इसमें मतलब जैसे इसका कैमरा जो है वो दरवाजे पे बाहर है, जैसे दरवाजे के बाहर कोई भी हो, कैमरे के नीचे बेल है, वो बेल को क्लिक करेंगे तो इधर वो स्क्रीनिंग होगी, मतलब जो बाहर रहेगा उसका इधर स्क्रीन आ जाएगा कि ये बाहर है। और इसमें से अपन बात भी कर सकते हैं, आप अगर आप ये फोन से भी कनेक्ट होता है, अगर हम किधर बाहर है, अगर कोई पार्सल आया है वैसा हम बाहर है, तो हम वो फोन में से वो बाहर जो कैमरा लगा है उसके अंदर माइक भी है, उसमें से बोल सकते कि हमारा पार्सल आजू बाजू में दे दो, हम लोग आके ले लेंगे, तो वैसा भी वो सिस्टम हम लोग ने लगा के रखे पूरा सिस्टम लगा। अब मगर जब वो बेल दबाएगा तभी होगा, है ना। और एक नॉर्मल बेल भी मैंने लगा के बराबर, हो गया। अभी उसके बाद में इस तरफ पे जो है ये खिड़की है पूरी बराबर, ये खिड़की हो गई। खिड़की का साइज मैंने काफी बड़ा रखी हूँ, इसलिए क्योंकि हवा अच्छी तरह से पास हो, वेंटिलेशन ज्यादा रखे हम लोग ने, ज्यादा रखी हूँ मैंने, है ना। फिर यहाँ पे आ जाती हूँ, हाँ, सीढ़ी की तरफ। तो जैसे हम मेन डोर से अंदर आते हैं वहां पर मैंने रखी हूँ सीढ़ी, तो ये भी सीढ़ी जो मैंने बनाई हूँ ये भी साफ की लकड़ी की बनी हुई है। और इसकी पहला बटन इसका, हाँ, यहाँ पर भी मैंने पूरी लाइट दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, नीचे से पूरी लाइट गई है ऊपर तक का, ये पूरा ऊपर तक का ऐसी लाइट गई है ना, पूरा मस्त दिख रही है, एक नंबर अच्छी दिख रही है, मस्त। इधर से चढ़ के बताओ हमें जरा, तुम सीढ़ी पे 2-3 पाई, हाँ, मस्त ऐसा चढ़ के आप लोग ऊपर जा सकते, ऐसा उतर सकते वापिस। और ये हम लोग ने इधर रॉड लगाए, हाँ, ये लोखंड का, कि आपको चढ़ने के लिए आसानी हो इधर, मतलब कोई भी ऐसा होल्ड करके इसको चढ़े आसानी से, ये तो ओपन रखेंगे तो कभी कैसा कोई चलते चलते ऐसा बैलेंस आउट हुआ, कभी को ऊपर से कुछ लेके आ रहे तो गिर विर ना जाए, इसलिए हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, आराम से चल सकते हैं, आराम से उतर सकते हैं, बराबर। चीजों का भी काफी ध्यान रखी हूँ मैंने। और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे एंट्री करेंगे एंट्रेंस पे मैंने एक झुंबर लगाई हूँ, हाँ, ये एंट्रेंस झुंबर, बहुत ही इसके अंदर कलर है, हाँ, ये एक कलर व्हाइट कलर हो गया, ये गोल्डन कलर हो गया, और ये क्रीम कलर हो गया, मतलब व्हाइट और ये गोल्डन मिक्स, तीन कलर थे इसके अंदर मैंने इंट्रेंस पे झुम्मा रखी हूँ, क्योंकि देखने के बाद में हमें अच्छा लगे, हाँ। और ये POP के अंदर हम लोग ने ये जो है इधर हम लोग ने प्रोफाइल लाइट डाले अंदर, और इधर एक लाइट दिए है, 2 Panasonic की लाइट, हाँ। और इधर 2 छोटी लाइट दिए। तो चलिए अभी नीचे की लादी, मैंने जो फ्लोरिंग है, सॉरी लादी बोल रही हूँ मैं, मुझे इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल, फ्लोरिंग है ना, हाँ। तो नीचे जो हमने फ्लोरिंग दिए है, अभी आप लोग बोलेंगे फ्लोरिंग आपने डार्क क्यों डाले, बराबर। पहले मेरी जो फ्लोरिंग थी वो व्हाइट कलर की थी, और उससे मैं काफी परेशान हो गई थी, हाँ। तो व्हाइट फ्लोरिंग से क्या होता है, उसके ऊपर अगर छोटा सा भी कचरा गिर जाए या जरा सा भी बाल गिर जाए तो वो दिख के आता है बराबर,
तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हम लोग ने व्हाइट फ्लोरिंग पहले डाल के देख चुके हैं, बहुत शौक था कि व्हाइट डालने का, लेकिन व्हाइट डाल के हम लोग पछता गए थे कि बहुत गंदा होता है वो, छोटी छोटी सी भी धूल भी दिखती है उसके ऊपर। और मेरा घर जो है खुली जगह पे मैदान में है, तो धूल ज्यादा आती है मेरे घर में, इसलिए मैंने फ्लोरिंग को थोड़ी डार्क रखी। हाँ, डार्क फ्लोरिंग लगी। और ये भी हमारे जो टाइल्स है उससे मैच हो रही है, टाइल से मैच है। और ये जो हम लोग ने पीओपी की है, ये एंगल है, ये एंगल को हम लोग ने पीओपी से कवर की, ऐसा डिजाइन बनाया हम लोग ने। ये डिजाइन है, इस पे हम लोग ने ब्राउन कलर मारे। और ब्राउन कलर भी क्यों मारे, क्योंकि ये भी हमको फ्लोरिंग से मैच करनी थी, है ना। हाँ, अब जैसे ही मैं इधर आती हूँ तो इधर पे आती है ब्रिक टाइल्स, ब्रिक टाइल्स बराबर। हाँ, तो ये है ब्रिक टाइल्स। ब्रिक टाइल्स जो ये नीचे से लेके ऊपर तक का, जिधर तक का हमारी टेरेस है, हाँ, उधर तक का मैंने यही वाली सिर्फ टाइल्स डाली बराबर। थोड़ा ये अलग करी हूँ, ये पोर्शन हम लोग ने जो सीढ़ी जा रही है ना जिधर से, वो पोर्शन हम लोग ने ऐसा ना पूरा अलग ही रखे, ये पोर्शन हम लोग ने अलग किया। हाँ, थोड़ा ये अलग दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, अलग लग रहा है। हाँ, अलग दिख रहा है। फोटो खींचो, रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ, काफी अच्छा इसमें लुक आता है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए अभी सोफे की तरफ आ जाओ। हाँ, आ जाओ। तो यहाँ पर माशाल्लाह मैंने बहुत ही खूबसूरत सा सोफा बनाई हूँ। अभी मैंने एकदम न्यू सोफा है, न्यू सोफा है, पन्नी भी नहीं निकाले। तो माशाल्लाह देखो सोफा, अभी आप ही कुछ बोल रहा था। हाँ, इस पे पन्नी लगी है ना, नवी नवा है ना, एकदम नवा नवा सब चीज आया है। तो मैं अशरफ हम लोग बैठ रहे ना इस पे, लेट रहे ना, अम्मी अरे ऐसा कैसा बैठ रहे, मत बैठो नहीं, चलो उठो उठो उठो, वो वाले घर पे जाओ, उधर बैठो। अरे अरे नया लगे तो बैठे के नहीं क्या हम लोग, हम लोग को बैठने नहीं दे रहे सोफे पे, मालूम खराब नहीं होना। हाँ, ये सोफा कम बेड है, सोफा कम बेड है ये, क्योंकि जैसे कि आसिफ और अशरफ आराम से सोफा कम बेड है, इसे रात को आराम से खोल के लो, आराम से सो सके, सो सके बराबर। ये देखो इधर से लेके, ये इधर से लेके पूरा ऐसा सोफा है। हाँ, और इस पे हम लोग ने ऐसा गोल्डन वर्क किया है, ऐसा पूरा ये गोल्डन वर्क है। हाँ, ये सेंटर टेबल है, ये सेंटर टेबल है, इसके नीचे टायर है, ऐसा खा सकता है आराम से, ऐसा खा सकते हैं। हाँ, तो ये सोफा कम बेड कैसे बनता है वो भी बताते हैं ना। हाँ, लोगों को भी आइडिया मिले, जैसे कि मेरा देखकर मतलब करते हैं ना बराबर। हाँ, तो ये सोफा कम बेड है, ये आराम से देखिए ऐसे आप खोल सकते हैं। उठाओ। हाँ, ये ऐसा, ये ऐसा ये बेड बन गया, इधर मैं और अशरफ आराम से कंफर्टेबली सो सकते हैं, और हम लोग हमारे लिए जो बेडरूम में रूम बनाए उसमें सो सकते चले जाइए। हाँ, और यहाँ पर देखिए इधर पे भी जो है ना, यहाँ पे भी जो है ना, इसके अंदर ना स्टोरेज देने को, स्टोरेज है। हाँ, देखिए इसके अंदर स्टोरेज काफी अच्छा खासा है। ये देखिए इसमें जैसा हम लोग इधर सोए गए, तो इसके अंदर के बिस्तरे वगैरह, चादर वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, चादर इनके ओढ़ने की चादर ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, और सोने के समय निकाल देंगे बराबर। इसको बंद कर दे अभी तू जरा। अभी इसका कलर मैंने मैचिंग करके ली हूँ, जैसे कि मेरी फ्लोरिंग पर भी जाए, और मैंने जो टाइल्स लगाई हूँ मेरी टाइल्स के ऊपर भी जाए बराबर। और बीच में मैंने सिर्फ इधर पे क्रीम कलर डाली हूँ, लाइट क्रीम डाली हूँ मैंने, ज्यादा नहीं, नहीं थोड़ा डार्क क्रीम है ना, ये डार्क क्रीम शेड है, मतलब ऐसा ब्राउन और इसमें कॉम्बिनेशन है, एकदम भी हमने लाइट कलर नहीं लगे कि सोफा गंदा होता है, गंदा हो जाए इसके लिए। सोफा हमेशा जल्दी गंदा, और ये वैसा नहीं है कि इसको निकाल कर मैं वॉश कर सकूं, इसे हम मैंने ऐसा कपड़ा डाली हूँ कि इसे हम गिल्ले कपड़े से आराम से पोंछ सके, पोंछ के साफ हो जाएगा। और ये जो है ना, ये ऐसा ये हेड रेस्ट है, मतलब ये आराम से इस पे बैठ के मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट कर देखो, ये ऐसा पीछे हो सकता है, ऐसा आराम से इसमें टेंशन नहीं, आराम से ऐसा लेट के वीडियो एडिट कर सकते हैं अपन। हो गया, और क्या बोल रही थी मैं कुछ तो। हाँ, ये हम लोग ने मतलब ये हम लोग ने फिक्स वाला बनाए, जो तकिया है ये हम लोग ने, फिर निकलता नहीं है। पहले जो था ना मेरा वो निकलता था, और बच्चे लोग जो है ना मेरे उसको लेके इधर कोई सर के नीचे लेके सो रहा, कोई उधर सर के नीचे लेके सो रहा, तो वो खराब हो जाता बराबर। इसके लिए मैंने ऐसा फिक्स वाला बनाया। और सोफा देखिए काफी बड़ा है, सेंटर टेबल लेके आते हैं। हाँ, सेंटर टेबल भी मैंने बना ली, मेरे को बहुत शौक था सेंटर टेबल का, तो सेंटर टेबल भी मैंने बीच में, सबके मेहमान वगैरह आए तो अच्छा लगता है, ऐसा भी लगा के का। हाँ, ऐसा लगा अच्छा ही लगता है वो, घर को सजाना बाकी है। इसके नीचे मुझे वो डालना है, कारपेट डालना है। हाँ, वो कापूस वाला आता है ना सॉफ्ट वाला, वो इसके नीचे आएगा, वो सब डालना बाकी है अभी। अभी ये साइड में मैंने ना जो है ना ये बनाई हूँ, एक पॉपी बना, हाँ
एक छोटा सा पपी बनाई हूँ, क्योंकि इधर से कोई भी आए तो उन लोग इधर पे भी आराम से बैठ के सामने टीवी देख सकते हैं। बराबर। और ये तो देख लिया आप लोगों ने पूरा, सोफे का एरिया हो गया कंप्लीट, सीढ़ी का एरिया हो गया, दरवाजे का एरिया हो गया। यहाँ पर मैंने एक मेरे लिए इस तरह की कुर्सी ली हूँ, बराबर बैठ के भी दिखाती हूँ। ये जब से आया है ना अम्मी इसको छोड़ रहे नहीं है, अम्मी इसके ऊपर ही आके बैठ रहे और एकदम मजेदार है ये। मस्त ले आवाज। ये भी हम लोग ने जो इसका कुशन, बैठो अभी तुम आराम करो, ये जो कुशन हम लोग ने बनाया ये भी हम लोग ने सोफे के कपड़े से मैचिंग करके बनाए और ये काफी सॉफ्ट मटेरियल है और जो लकड़ा भी यूज किए इसको पॉलिश करके काफी अच्छा यूज किया, मतलब ये आराम कुर्सी, इंग्लिश में बोले तो रॉकिंग कुर्सी। अच्छा, रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर, हाँ रॉकिंग चेयर बोलते इसको। कैसा मज लग रहा है, तुम उस पर बैठ गए तो और सोने पे सुहागा हो गया, क्या बोलते हो? ड्रेसिंग भी अच्छा, ड्रेसिंग भी मस्त मार रहा है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं बोलेंगे, बेटा भी नहीं बोलेगा, आपा एकदम घर के हिसाब से अच्छे से रेडी भी है। बराबर। हाँ, नया ड्रेस पहनी हूँ मैंने आज। हाँ माशाल्लाह। हाँ, और फिर आती है मेरे खाजा जी, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने हमारे खाजा जी को घर में लेके आई और ये फ्रेम मैंने बहुत दिल से और बहुत शौक से ली हूँ और सारे इनके ही सत्के में मुझे हर चीज मिली है मुझे। मेरे खाजा जी ने मुझे हर चीज दी है जब से मैंने उनका दामन पकड़ी। बराबर बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी घर का फ्रेम आपको कैसा लगा जरूर बताना, इसके में वर्क आपको वीडियो में नहीं दिखता रहेगा लेकिन हम लोग सामने से जो देखेगा ना इस, मतलब शब्द माशाल्लाह ही आएगा मुंह से। हम बारीकी से हाथ का काम किया है इसके अंदर, बहुत 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 अच्छा है, माशाल्लाह जरूर बोलना आप लोग। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा टीवी यूनिट। हाँ वो भी देख के आप लोग एकदम मस्त सरप्राइज हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, जबरदस्त। हाँ लाइट चालू करो, उधर नीचे। हाँ सब चालू हो गए। तो कैसा लगा ना हमारा टीवी यूनिट, देख लो आप लोग, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ एक एक चीज। ये जो हम लोग ने सबसे पहला आपको मैं टीवी बताता हूँ, ये टीवी जो है ये 65 इंच की टीवी है, ये नवी टीवी है, इसकी प्लास्टिक भी नहीं निकली अब तक। उसके बाद ये हम लोग ने इधर लगाया होम थिएटर, ये होम थिएटर है, होम थिएटर का हम लोग ने अलग से स्टैंड बनाए कि इसको नीचे नहीं रखने का चाहिए, इसके लिए ये होम थिएटर है। फिर उसके बाद इधर हम लोग ने रखे है पार्टी स्पीकर एक, ये आप लोग वीडियो में देखे रहेंगे जब लेने गए थे, तो ये अशरफ ने लिया है, ये अशरफ का ही है समझो, ये अशरफ इस पे गाने वाने प्ले करता है, कव्वाली प्ले करता है, वो सब है ना। और इसमें हम लोग ने ये शो का सामान है, ये सब नहीं, ये शो का सामान अभी रखना है अभी। मैंने अभी सबसे पहले मुझे माशाल्लाह मैंने यहाँ पर रखी हूँ कलाम पाक की पेटी। हाँ। इसके अंदर सारे पारे हैं। हाँ। है ना, यहाँ पे ये जो मुझे अवार्ड मिले थे ये अवार्ड रखी हूँ मैंने। हाँ। मेरे को दो मिले थे तो मैंने दो ही रखी हूँ। और यहाँ पे भी मैंने ये ऊपर लगने वाला है मेरे रूम में, और ये कायदा है। और यहाँ पे जो है ये इधर भी मुझे स्टोरेज मिला है, तो ये स्टोरेज में मैंने यहाँ पे अपने कुछ सामान रखी हूँ। अभी जैसे कि नए घर में आए, मतलब ये सब फिक्स नहीं रखे, ये टेम्पररी के लिए रखे, रख दी अभी, बाद में देखूंगी कौन सी चीजें किधर पे रखनी है। बराबर। तो इधर पे इतना सारा स्टोरेज मेरे को मिला है। यहाँ पे मैंने आसिफ का कॉलेज का बैग और जिम का बैग साथ में रख दी हूँ, अशरफ की स्कूल की बुक और अशरफ की कॉलेज का जो बैग साथ में रखी हूँ, जान नमाज रखी हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मैंने दवाई के डब्बे और जैसे कि पेन वगैरह कुछ भी रखती है वो, और सुई धागे के डब्बे यहाँ पे रख दी हूँ। बराबर। यहाँ पे भी स्टोरेज है, तो इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत सामान रखी हूँ। हाँ, ये हमको एक दो तीन चार पांच ड्राव मिले। ये देखिए ये भी सामान है सब इसके अंदर, इसमें सेटअप बॉक्स और हमें वाईफाई लगा चुके हैं, काफी स्पीड वाला 4 एंटीना वाला वाईफाई एकदम मस्त वाला। और ये मस्त एकदम आसानी से ऐसा खोल दो, इसमें सारे रिमोट रखी हूँ मैंने, ऐसा डाल दो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा ना। माशाल्लाह टीवी भी बहुत ही खूबसूरत ली हूँ मैंने। हाँ, और ये मतलब आप लोग ये देखते रहेंगे, ये आप लोग को क्या दिख रहा है, आप लोग को देखता रहेगा कि ये टाइल है, ये टाइल नहीं है, ये है सनमाइका लगा, ये लकड़े का है, देखो पूरा है, देखो आवाज आती रहेगी आप लोगों को, लकड़ा है। लेकिन कोई भी दूर से देखेगा ना बोलेगा अरे इतना बड़ा तो उन लोगों ने मार्बल लगा है, टाइल्स है, लेकिन ये टाइल्स नहीं है, लकड़ा है, काफी फिनिशिंग से काम हुआ है। और इसके इधर पे बाजू में इधर पे है बाथरूम। हाँ, है ना, तो मैंने अटैच बाथरूम बनाई हूँ। हाँ, तो नीचे जो सोएंगे या नीचे कोई बैठेंगे उठेंगे तो उन लोगों को जाने के लिए दूसरे फ्लोर पे तीसरे फ्लोर पे आने की जरूरत नहीं, पे जा सकते हैं। बराबर।
और इसके ऊपर मुझे जगह मिल गई थी तो वो जगह को मैंने यूज की हूँ। वहाँ पे बनाई एक छोटा सा कोट माला। कोट माले में हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने पानी की टाकी नहीं डाली हूँ, पानी की टाकी मैंने आप लोगों को बता दी, मैंने डाली हूँ टेरिस पे। आपने टेरिस का वीडियो नहीं देखे तो टेरिस का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसका आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये बाथरूम हम आप लोगों को अभी नहीं बता रहे हॉल के वीडियो में, क्योंकि ये बाथरूम नहीं है, ये रॉयल बाथरूम है। तो ये रॉयल बाथरूम आपको हॉल के बाद आपको बाथरूम का वीडियो अलग सेपरेट से देखने मिलेगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वीडियो ही अलग बन रहा है उसका, तो सोचो बाथरूम कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए अभी मैं आपको क्या बताऊँ, बताना बाकी है मुझे ऊपर जो मैंने लाइट की हूँ और जो पंखे लगा। हाँ चलिए वो दिखा देते। तो ये है मेरा पीओपी का। हाँ पूरा पीओपी का डिजाइन कैसे बनाना है ये सब मैंने और आसिफ ने नेट पे से निकाले किए। बराबर, ये पूरा इधर से लेके ये पूरा ऐसा उधर तक ये सब पूरा पीओपी गया है। और इसमें हम लोग ने बीच में ये लगाया है, ये है एक्रेलिक शीट, और एक्रेलिक शीट के अंदर हम लोग ने ट्यूबलेट डाले। 28 ट्यूबलेट लगी है इसके अंदर, 28 ट्यूबलेट सिर्फ इसके अंदर लगी हैं। और जो बाहर जो लाइट लगी है वो चीज़ अलग, और हमने आपको चेंज करके दिखाया कलर। अभी व्हाइट चालू है, ये भी गोल्डन चालू हुई। हाँ ये गोल्डन लाइट चालू हो गई। हाँ तो अभी मैंने सारे रूम की लाइट को मैंने चेंज कर, अभी हम लोग ने डीम लाइट चालू की है। हाँ तो अभी देख सकते हैं अभी लुक ये कैसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है आपको हॉल का लुक कमेंट में जरूर बताना है। देखिए अभी मैं आपको झूमर बताती हूँ, आप लोग झूमर देख सकते हैं। हाँ झूमर में कितने कलर आते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। ये झूमर हम लोग ने लोहार चाल से लिए है। बराबर, व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर है। हाँ इसके बाद ये गोल्डन कलर, ये मुझे बहुत पसंद, ये पसंद आता है। और फिर इसके बाद ये क्रीम कलर, व्हाइट और गोल्डन मिक्स कलर है ये। हाँ और इसके बाजू में हम लोगों ने लगाए दो फैन, ये रिमोट वाला फैन है और ये हम लोगों ने व्हाइट कलर में लगाए। और हम लोग ने पीओपी पूरी व्हाइट रखे हैं, इसी हम लोग ने जो एक्रेलिक शीट है वो हम लोग ने ब्राउन में डाले। और बाकी पूरी पीओपी व्हाइट है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए पूरी पीओपी व्हाइट है। मस्त दिख रहा है हमें वीडियो में, मस्त माशाल्लाह दिख रहा है एकदम। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताओ, जरा बीच में खड़े रहो मम्मी तुम ऐसा मस्त। सीढ़ी कैसी लगी आप लोगों को, ब्रिक टाइल कैसा लगा, सोफा कैसा लगा, और उधर हम लोग ने एक एग्जॉस्ट पंखा भी लगाया ब्लैक कलर में। और ये देखिए ये मैंने पर्दे लगाने के लिए यहाँ पर ये पाइप डाली हूँ। हाँ। ये मैंने स्टील में पाइप का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि स्टील का पाइप कभी भी गंदा हो गया तो आप इसे धो सकते हैं और धो के यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो मैंने उसके ये लगाई हूँ ना, क्या बोलते थे पर्दे के, हाँ ये क्रिस्टल का बॉल है, ये क्रिस्टल का बॉल ली। हाँ। मैंने ये भी लोहा चाल से ली थी मैंने, बराबर। ये बहुत खूबसूरत है, इसे आप कभी भी गंदा हो गया ना तो आप इसे धो के यूज कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी मेरे पास में यही वाला था। बराबर है ना। हाँ तो चलिए कैसा लगा आप लोगों का, बात करती है। आप लोग ने तो पूरा हॉल का टूर ले लिए है, लेकिन फिर भी अभी एसी लगना बाकी है। इधर पीछे जो दीवार दिख रही है ना, ये दीवार पे वॉलपेपर आने वाला है। ये दीवार ऐसा प्लेन व्हाइट नहीं रहेगी, इस पे कुछ अलग टाइप का वॉलपेपर आएगा इंशाल्लाह, वो भी बहुत जल्द लग जाएगा। तो बताओ मम्मी अभी क्या बताऊं मैं, अभी आप बताएंगी हमारी यूट्यूब की फैमिली। हाँ अभी आप लोग कमेंट भर दो कैसा लगा आप लोग को, आप में कमेंट जरूर मम्मी को पढ़ के आप सबके दिखाओगा, और सबके कमेंट पे इंशाल्लाह जरूर लाइक रहेगी। और एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे जो टेरिस का ब्लॉग आप लोगों ने देखे, बहुत प्यार दिए, अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं दिए, बहुत लोगों ने माशाल्लाह बोले, और बहुत अच्छी अच्छी कमेंट आई थी, हम लोगों ने पूरी कमेंट पढ़े। हाँ। तो सबको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और फिर से मैं एक बार वही दुआ करना चाहती हूँ जो मैंने वो ब्लॉग में की थी, है ना। बराबर, तो मैं ये अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ, मेरे खाजा गरीब नवाज से मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि यार खाजा गरीब नवाज या अल्लाह ताला बस सबको खुद का एक घर हो जाए, खुद की छत हो जाए, सबके दिली ख्वाहिश पूरी हो के अल्लाह ताला सबको एक खुद का घर उनका अदा करे। बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं सारी आवाम के लिए यही दुआ करती हूँ, सारी आवाम के लिए ये दुआ करती हूँ कि सबकी हर एक तकलीफ ना अल्लाह ताला दूर कर दे, मेरे खाजा गरीब नवाज दूर कर दे। आमीन आमीन आमीन, जरूर होएगा। मेरे अल्लाह ताला मेरे खाजा गरीब नवाज के सदके में सबकी परेशानियों को दूर करे, और सबको खुद का एक घर
नसीब करे, नसीब करे। आमीन आमीन। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग को हमारा व्लॉग, कमेंट में जरूर 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 बताना हमारा हॉल का टूर आपको कैसा लगा। और हमारे ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये वीडियो को लाइक से भर दो एकदम, बहुत सारी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, अफरोज रेसिपी व्लॉग को। और अफरोज किचन पे भी बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ, सब लोगों। हाँ, इसके बाद आपको मिलने वाला है हमारे जो हॉल हम लोग ने दिखा है उसके बाथरूम का वीडियो, मतलब रॉयल बाथरूम का वीडियो आपको देखने मिलने वाला है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।